जनाब नरेंद्र सिंह कपूर जी की किताब तर्क वेद विचों तीजी रचना दुख। जिंदगी दियां बहारां विचों गुजरदियां अचानक कोई अणकियासी घटना वापरदी है जिस नाल साडे पैरां थल्लों जमीन निकल जांदी है अते हरे परे बाग शमशान घाट दिसण लग पैंदे हन। इस अनुभव नूं दुख कहिंदे हन। दुख एक मानसिक संकल्प है जिस नाल साड़ी बाहरी जगत नूं वेखण दी दृष्टि ही बदल जांदी है क्योंकि सतरंगी पींग उत्ते दौड़दे दौड़दे असी धरती उत्ते आ डिगदे हां। भावें कोई दुख अजिहा नहीं जिहड़ा समें दे बीतण नाल मिट नहीं जांदा पर कई दुख अजिहे हुंदे हन जिहड़े सानूं सदियां तक हंडाउणे पैंदे हन। सरहंद दियां कंधां विच चिणे होए साहिबजादियां दे मासूम चेहरियां उत्ते संजम अते संतोख दी मिठी मिठी मुस्कुराहट दे अर्थ शब्दां विच बयान नहीं कीते जा सकते। उन्हां दी विथ्या दसण लई सदियां दा समां चाहीदा है। उन्हां दे कंधां विच चिणे जाण दे दुख नूं शब्दां दा जामा पहनाण वाला लेखक जां कवि अजे पैदा नहीं होया। दुख विचों विरलाप उपजदा है। विरलाप नाल साडा मन झुकदा है। चुकण नाल साडे विचों होमै अते आकड़ मिटदी है। महान दुख भ्रिष्ट होईयां आत्मावां नूं वी सिद्धे राह लै आउंदा है। एवें दुख मनुखी आत्मा नूं मांझण दा कारज करदा है। दुख ही ज्ञान दा प्रमुख स्रोत है। दुख विच असीं दूजियां दे साथ लई भटकदे हाँ। यही भटकण हमदर्दी दी बुनियाद है। मनुखी रिश्तियां दे खेतर विच साडी कमाई दुखां समें ही वेखण विच आउंदी है। एक विधवा नूं अपने पैरां ते खलोण विच लगभग 8 साल लगदे हन। ए वरे उस दे दुखां दे वरे हुंदे हन पर एही काल उस दे अत्यंत डूंघे अनुभवां दा समां हुंदा है। ज्यौंदे रहण लई सबर संतोख अते हौसला जरूरी हुंदे हन पर इन्हां दी प्राप्ति दुखां तों बिना संभव नहीं हुंदी। संसार विच वड्डा योगदान दुखी व्यक्तियां ने पाया है। गुरु गोबिंद सिंह ने उसे दिन तलवार चुक ली सी जिस दिन गुरु तेग बहादुर नूं चांदनी चौंक विच शहीद किया गया सी। राजा राम मोहन राय की भरजाई नूं जदों जबरदस्ती सती किया गया उसे वेले उसकी सोच विच सती दे विरुद्ध अंदोलन पैदा होया। लैनिन दे भरा नूं जदों जार शाही ने मारिया तां लैनिन दे मन विच इनकलाब ने अंगड़ाई ली। दुख साड़ी प्रतिभा नूं चमकाउण दा एक वसीला हुंदे हन। सुखी व्यक्तियां ने संसार विच अयाशी फैलाई है जदों के दुखां ने मनुखता विच मनुखी कदरां कीमतां दा निर्माण कीता है। दुखां ने ही सुखां दे अर्थ निर्धारित कीते हन। भोजन होना पर भुख ना लगनी, भुख होनी पर भोजन ना होना आदि शरीरक दुख दियां सर्व साधारण उदाहरणां हन। वड्डे व्यक्तियां दे दुख वड्डे हुंदे हन। कोई दुख अजिहा नहीं जिस नूं मनुख बर्दाश्त ना कर सके पर वेखणा यह है कि दुख नाल व्यक्ति डुबदा है जां दुख दी सवारी करदा है। आम करके सानूं अपनी समस्या दुख अते दूजे दा दुख एक समस्या ही प्रतीत हुंदी है। जेकर असीं अपने अपने दुखां नूं एक थां इकट्ठे कर देईए अते सब नूं बराबर वंडण दा यतन करिए तां लगभग सारे अपने अपने दुख वापस लैके खुश हो जाणगे। मनोविज्ञानक तौर उत्ते दूजियां दे प्रतख दुख सानू अपने दुख बर्दाश्त करन विच सहाई हुंदे हन। महान दुखां विच महान नायक सिरजण दी समर्था हुंदी है। गुरु अर्जन देव जी दुखमई स्थितियां विचों उपजी एक शांत नायक आत्मा सन। डुब रहे बच्चियां नू बचाउंदा बचाउंदा जदों एक साधारण व्यक्ति आप डुब जांदा है तां ओ करतव त्याग अते कुरबानी दियां नवियां शिखरां छो जांदा है। दुख सिरजनात्मक शक्ति दा स्रोत हुंदे हन। दुखां विच मनुख दी असली तात पछाणी जांदी है। पोरस वल्लों सिकंदर नूं दित्ता जवाब दुख दी कुख विचों सूरज वांग उगमिया एक अजिहा वाक सी जिस ने जिते हुए सिकंदर दे मुकाबले हारे हुए पोरस नूं महान बना दिता। भारत दे इतिहास विच केवल सिकंदर अजिहा है जिहड़ा भारत उत्ते हमलावर होण दे बावजूद भारतीयां दे सतिकार दा पात्र है क्योंकि उसने पोरस दे दुख नूं समझिया सी। इस रचना दा
दूजा आते आखरी हिस्सा तुहाडे नाल परसों सांझा किता जावेगा। इस करके घंटी का बटन जरूर दबा लेना। बहुत शुक्रिया।